ਓਏ ਆ ਗਏ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆ ਗਏ ਪੂਰਾ ਕਾ ਪੂਰਾ ਜਲੂਸ ਆ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਸਾਥ ਹੀ ਹੱਦ ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਅਗਰੈਸ਼ਨ ਦੇਖੋ ਜ਼ਰਾ ਗੁੱਸਾ ਕੈਸੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਬਦਮਾਸ਼ ਹੈ ਪੂਰੇ ਪੂਰੇ ਯਾਰ ਇਹ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਜੋ ਆਪ ਕੁਆਲਿਟੀ ਕਹਤੇ ਹੈ ਔਰ ਜੋ ਕੁਆਲਿਟੀ ਲੋਕ ਮੰਗਦੇ ਹੈ ਇਹ ਵੋ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੈ ਜੋ ਸਕਰੀਨ ਪੇ ਬੱਚੇ ਆਪ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਨਕਾ ਏਜ और इनके साइज ये दोनों आपस में कोई कंपैरिजन है ही नहीं माशाल्लाह 32 दिनों के बच्चे और इस साइज में बच्चे और पेडिग्री बच्चे। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम हसन है, आप लोग देख रहे हैं HSN एंटरटेनमेंट। लास्ट टाइम आप लोगों ने जर्मन शेफर्ड के बच्चे थे जिसमें सबसे पहले दिखाए थे हम लोगों ने 6 बच्चे, उसके बाद दिखाए 9 बच्चे, आज दिखा रहे हैं आपको 8 बच्चे क्वालिटी में। और जिस भाई को चाहिए हो वो ले सकता है ये वन एंड ओनली। फैजान हमारे साथ है, फैजान कैसे हो आप? अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम। फिजान से इस बार ये शर्त लगी है भाई अगर बच्चे सस्ते दोगे, भाई पिछली बार बहुत महंगे थे, 2-2.5 का दे जा सकते, कितने का दिया? पिछली दफा भी ऐसे 1,60,000 इसी का था, इसी के लिए। लेकिन इस बार कितने में है? इस दफा से भाई 1,30,000 है, डिमांड भी 30,000 कम कर दी और बाकी जो आपका अगर रेफरेंस देगा उसके साथ और प्यार करेंगे। और प्यार मोहब्बत होगी ना, और जो दो लेगा आपके रेफरेंस उसके साथ और प्यार तो अगर सारे मांग लेगा, जो सारे मांग लेगा आप उसके साथ प्यार करेंगे करेंगे आपके नाम से प्यार ही प्यार। अच्छा ट्रेन ठीक है, पहले ना मेल के बारे में बताएं, बच्चे बाद में दिखाते हैं। असन भाई मेल वन एंड ओनली सिम्बा, ठीक है, सन ऑफ चैंपियन एंड ही इज आल्सो अ चैंपियन। ये पाकिस्तान में सिगर लगा हुआ है, सिगर नंबर B3 लगा था इस साल लास्ट ईयर। इस साल मैं थोड़ा बीमार था, मैं जो शो पे जा ही नहीं सका। सही है, सिम्बा हमने पहले दिखाया हुआ, सिम्बा हमने पहले वीडियो, उस टाइम बच्चा था ये, उस टाइम ये तकरीबन 9 माह का था। तो अभी इस टाइम सिम्बा 26 मंथ, 26 मंथ का। मैगी वही है जिसके पहले हमने बच्चे दिखाए थे? हाँ जी, ये मैगी वही है, ठीक है, जिसके हमने पहले बच्चे दिए थे और इस दफा भी मैगी के ही बच्चे। स्टैंड अप, ये आप सिम्बा देखिए आपके सामने है, सिंगल चैंपियन वन एंड ओनली सिम्बा। तकरीबन आउट ऑफ कोर्ट है क्योंकि गर्मियाँ शुरू हो गई है तो कंडीशन इनकी आउट ऑफ कोर्ट होना शुरू हो गई है, लेकिन फिर भी आप सिम्बा की हाइट, सिम्बा का कोट, सिम्बा का कलर, सिम्बा की पिगमेंटेशन देख सकते हैं। अभी जितने भी बच्चे आप हमें देंगे वो सारे के सारे सिम्बा के होंगे, वो सारे के सारे सिम्बा के बच्चे, और इंशाल्लाह आने वाले वक्त में जो भी मेरे शौकीन भाई पालेंगे वो एजुटेड सिम्बा की तरह निकलेंगे और इंशाल्लाह वो भी सिगर चैंपियन और सिगर जीत के आएंगे। सिम्बा अच्छे बड़े ग्रोथ की साइज में जो डॉग्स होते हैं उनमें आते हैं ना सिम्बा? सर अपने साइज के जो मैक्सिमम हाइट है ना उससे भी 1 इंच ऊपर चला गया, और 1 सेंटीमीटर उससे भी ऊपर जा गया मैक्सिमम हाइट से। मैक्सिमम हाइट पे सिम्बा, इससे बड़े हाइट कुत्ते कुत्ते बहुत कम होते हैं, और अगर होते हैं तो वो फिर ज्यादा हाइट वाले कुत्ते शो में नहीं जा सकते। वॉक तो दिखाएं, फेंक मेरा बोल अपना, वो भाई वो सिम्बा बहुत एक्टिव, बहुत एक्टिव। आखिर पकड़ो जरा इसे एक बार, वो कमाल है यार इसका साइज, इसकी ग्रोथ आप देख सकते हैं। इस टाइम इसकी हाइट शो लाइन में बिल्कुल कंप्लीट है, ना तो शो लाइन में इससे बड़ी हाइट होती है और ना शो लाइन में इससे छोटी हाइट होती है, यानी कि बेहतरीन परफेक्ट एनाटॉमी के साथ, परफेक्ट साइज के साथ, परफेक्ट लाइन के साथ, जिस तरह हम कहते हैं टॉप लाइन, जिस तरह कमर का बैंड स्ट्रक्चर लोगों के लिए इजी लैंग्वेज में जो बैंड है प्रोविजनली वो आप देख सकते हैं। ये शेडिंग बैग है फुल, इस टाइम फुल शेडिंग शुरू कर दी, इसने अपना बाल गिराने शुरू कर दिए गर्मियों की वजह से। कलर आप देख सकते हैं रेड कलर में, रेड एंड ब्लैक में है, वो ब्राउन, वो लाइट फेड ब्राउन सा नहीं है, फुल रेड कलर में। और ये बॉल को लेके इसका इतनी को मोहब्बत है कि बॉल के साथ आप देख गिरता हुआ जाता है कि बस मुझे किसी तरह बोल दे। अब जरा मैगी के बारे में थोड़ा बताएं जी अर्शन भाई, ये मैगी भी आप लोगों ने कहना है कि पता नहीं सारे चैंपियन हैं, लेकिन ये मैगी भी अपनी हमारी माशाल्लाह 2 दफा शो जीती है। लास्ट टाइम मैगी के बच्चे थे, लास्ट टाइम मैगी के सिम्बा के साथ जी सर, नहीं लास्ट टाइम एक मेरे दोस्त है अच्छे ब्रीडर है, वो भी माशाल्लाह अल्लाह उनको जिंदगी तंदुरुस्ती दे, उनका एक डॉग था एडी, ये उसके साथ मैगी मेट हुई थी, लेकिन इस दफा मैंने अपने सिम्बा के साथ मेट किया, अपने सिम्बा के साथ। सिम्बा एडी का बच्चा है? नहीं, सिम्बा स्कार का बच्चा, स्कार का बच्चा, स्कार का बच्चा है, और वर्ल्ड चैंपियन एलेक्स काबी की ब्लड लाइन में से। ठीक है, अब ये जो हम लोगों को बच्चे नजर आ रहे हैं कितनी उम्र के बच्चे हैं? ये बच्चे इस टाइम है तकरीबन 32 डेज के करीब, ठीक है, 32-33 डेज होंगे एग्जैक्ट अगर मैं काउंट करूँ फिंगर शिप है तो फिर वो आवरा। बच्चे तो दिखाए मुझे वन बाय वन करके, मैं आपको बच्चे दिखाता, ये टोटल बच्चे अभी कितने हैं आपके पास? जी मेरे पास इस टाइम असल में 3 मेल्स है, 5 फीमेल, टोटल कितने भी? 8 टोटल बचे हो गए, 8 क्वांटिटी में, 8 ही बताए थे आपने, टोटल क्वांटिटी में 8 बचे, ठीक है। तो बच्चे जरा ये फीमेल को साइड पे भेजें, सिम्बा को भी साइड पे भेजें जी, ठीक, बच्चे वन बाय वन करके दिखाते हैं। और बच्चे मिलेंगे किस तरह से? अर्जुन भाई मिलेंगे इस तरह से कि आप, मैं अपना नंबर बता देता हूँ, ये उस पे रब्ता करें, एनी टाइम अवेलेबल है, बच्चों को शौक करवाते हैं ना, करवाता हूँ
बच्चे ये सेल्फ फीड के साथ साथ अभी भी अपनी माँ के साथ इनकी मोहब्बतें कायम है और ये मदर फीड पे भी हैं, जिस तरह आप देख सकते हैं अभी भी पी रहे हैं और ये बच्चे सेल्फ फीड पे भी हैं। सारे के सारे मदर फीड में इस टाइम। हाँ जी, सारे के सारे ऑलमोस्ट मदर फीड कर रहे हैं, लेकिन एज वेल एज सेल्फ फीड भी है। फूड वगैरह, चावल, कीमा, मैंने दोनों चीज़ों की आदत डाली है ताकि मेरा भाई जो भी कई फूड डालते हैं कहीं नहीं डालते हैं, तो बच्चे ना उनके पास जाके तंग हो ना वो बच्चों को, बच्चे थोड़े से बाहर निकालें, मेरा नजर भी है नीचे इतने सारे बच्चे गुफे में बालों का गुत्था लग रहा है, कोई चीज पड़ी हुई है, कपड़ा कपड़ा लपेट कर रहा है। तो बच्चे सिर्फ मुझे एक मिनट दें बेचारे, थोड़े प्यासे नहीं, वैसे ही हल्का सा बाहर निकाले फिर गुफ जाएंगे, मैं प्रॉपर बाहर निकालने का नहीं कह रहा। इस तरह की है ये देखें, चलो भाई बचो तो अपना मुकड़ा दिखाओ, ये देखो, ये देखो जैसे भाई अब मैं आपको देता हूँ बच्चे जर्मन शेफर्ड के, माशाल्लाह देख सकते हैं मेरे से उठाने मुश्किल हो, ये जिस चीज मेरे भाई को मेल चाहिए फीमेल चाहिए हर चीज मिलेगी मेरे। वन बाय वन करके दिखाते हैं, एक साथ संभाले नहीं जा रहे, नीचे रखे माशा, ये उठाए भी नहीं जा रहे, संभाले भी नहीं जा रहे। तो हसन भाई जी, हसन भाई आपको फीमेल पपी का जैसे पहले बड़ी मेल और फीमेल दिखाए आप, वैसे ही आपको एक एक करके मैं बच्चे दिखाता हूँ, फीमेल पपी का शो करवाते हैं आप, कोट की कंडीशन, कोट का कलर रेड एंड ब्लैक कलर में पपीज, और ये वो वाले पपीज हैं जो मार्केट में 3-3 लाख रुपए यकीन करें इस समय चल रहे हैं, लेकिन मैं आपके व्यूअर्स को आपकी वसादत से जितना प्यार समझ लें कह सकते हैं ना, आधी से आधी कीमत में दूंगा। अच्छा ये साइज कितना है और उम्र जो आप बता रहे हैं उसके हिसाब से? अशन भाई ये 32 दिन के बच्चे हैं। इतना साइज बड़ा कैसे है अशन भाई? इतना साइज ये रहते जाग जाग के आप मेरे हल्के देख सकते हैं, ये इनकी माँ के साथ साथ समझ ले मैं भी इनको ना डॉग फूड खिला खिला के इनको पागल किया होगा। तो ये पेडिग्री वगैरह पे जो एज लिखी होगी वही एज होगी? अशन भाई जो मैं आपको एज बता रहा हूँ एक दिन का भी आगे हेर फेर नहीं होगा। बच्चों का साइज बहुत बड़ा है यार। अशन भाई 5 मार्च की इनकी पेडिग्री डेट है, इनकी बर्थ डेट है, वीडियोस मेरे पास है, इसलिए अगर किसी भाई को शक भी होना कि यार बच्चे बड़े हैं आप दिन छोटे बता रहे हैं, तो मैं वीडियोस दिखा सकता हूँ। और हसन भाई इनकी पेडिग्री वगैरह, ये आप इनका कोट कंडीशन, इसके टेल साइज, इसके बोन स्ट्रक्चर, आप ये वाला जो है ये हमें कितने में देंगे आप? हसन भाई ये आपको ये नहीं, हसन भाई ये नहीं है कि कोई एक बच्चा, ये सब एक साइज एक जितने, कोई एक बच्चा ऐसा नहीं है कि जो मेरे से पास हो जी ये छोटा है तो ये सस्ता बेचना है, ये बड़ा है तो महंगा बेचना। इसको छोड़ें दूसरा को बच्चा दिखाएं जी। तो हसन भाई जैसे मैंने आपको पहले फीमेल पपी दिखाया है, इसी तरह मैं आपको एज में से मेल मेल आई थिंक ये मेल होगा। हाँ जी हसन भाई, तो जैसे पहले फीमेल पपी दिखाया है एज इट इज़, वैसे आपको मेल पपी का शो करवाते हैं। माशाल्लाह हसन भाई आप इनके हेड साइज देखो, सिर्फ इनके हेड साइज, और माशाल्लाह ये काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ में चल रहा है आजकल, अल्लाह इसकी सेहत तंदुरुस्ती हो, ये इसने अपने कान वगैरह हर चीज़ खड़ी कर ली है, और ये इसका आप टेल वैसे मैं दिखा सकते हैं अगर आप कैमरे में, तो इसका टेल, इसका कोट, इसके कलर हर पपी ब्लैक और रेड कलर में, ब्राउन रेड इस ब्राउन में। ये एक्सट्रीम लॉन्ग कोट है या फिर क्या कहेंगे? ये एक्सट्रीम लॉन्ग कोट है, ये अपने फादर की तरह और अपने ग्रैंड पेरेंट्स की तरह ये एक्सट्रीम लॉन्ग कोट में जाएंगे, मतलब ये अपने बाप पे जाएगा ना पूरा? ये अपने बाप पे जाएगा लाइक दिस, ये ऐसे बिल्कुल बिल्कुल इस पे जाएगा सेम। ये आप देख सकते हैं ये हमारे जो सिम्बा साहब हैं ये बोल को लेके बहुत दीवाने हैं, अपने बच्चों में भी बोल रहा, ये अपने बच्चों के साथ भी सीधा हो जाता है बोल को लेके, अभी उनके साथ बड़ा प्यार करता है लेकिन ये अपने बच्चों के साथ भी बोल को लेके सीधा हो जाता है। अच्छा और भी कोई बच्चा पकड़े इसके अलावा? मैं आपको भी दिखा देता हूँ, सिर्फ एक सेकंड लाओ जी फाके, ये देखे ऐसे नहीं, जोन सा बच्चा उठाएंगे, मेल उठाए फीमेल उठाए, अक्सर फीमेलें छोटी होती हैं साइज में, छोटी होती हैं लेकिन देख सकते हैं आप, ये मेरा ख्याल है जितने दिखाएं सबसे बड़ा हेड साइज इसका है। ये मेरे ख्याल से असल में पीक ऑफ द लिटर है। इसका नाम क्या है? इसका नाम असल भाई, इसका नाम आई थिंक इसका नाम होगा अलेक्जेंड्रा, आई थिंक सो अलेक्जेंड्रा। पेडिग्री नेम सबके आगे हुए हैं जी? तो असल भाई पेडिग्री नेम्स आ चुके हैं मेरे पास, लेकिन पेडिग्री तकरीबन 3-4 दिन के अंदर अंदर आ जाएगी। शाह साहब से मेरी बात हो चुकी है, मैं कह शाह साहब मेरे शौकीन भाइयों के लिए मैंने वीडियोस बनानी है, तो उन्होंने तो कहा ना कि बस आप बच्चे हमें देने वाली करें, तो शाह साहब ने कहा मैं आपको 3-4 दिन के अंदर पेडिग्रियाँ इंशाल्लाह पहुँचा दूंगा। और असल भाई ये बच्चे माइक्रोचिप मिलेंगे पेडिग्री पर्पस के साथ मिलेंगे, पिंक पेडिग्री पपीज हैं ये, वर्ल्ड चैंपियन ब्लड लाइन में से, और इनके पेरेंट्स वर्ल्ड चैंपियन ब्लड लाइन ना भी हो तो इनके पेरेंट्स खुद पाकिस्तान में चैंपियन है, उन्होंने पाकिस्तान में अपना एक प्राउडली नाम बनाया, मदर 2 दफ़ा शो जीत चुकी है, जो इनका फादर है वो तकरीबन 4-5 शो जीत चुका है, और जो भाई आएगा देखने के लिए उसको मैं इनकी ट्रॉफीज भी दिखाऊंगा, और इंशाल्लाह उनसे उम्मीद करूंगा कि कल को वो भी बच्चे इसी पोजीशन में इसी स्टेज पे लेके जाएंगे, और इंशाल्लाह वो खुश होंगे कि उन्होंने कोई चीज़ ली है मेरे से।
तो इस तरह होगा कि लाहौर में या लाहौर से बाहर कहीं भी ये मिल जाएगा। वैसे पपीज लाहौर में मौजूद है, लाहौर सब्जादार के पास ही बिल्कुल आता है मरकज। कोई आके देखना चाहता देख सकता है। असल में एनी टाइम सुबह आए, रात आए, शाम आए, भाई के लिए घर के दरवाजे खुले, अफतारी टाइम आए तो अफतारी करें, सहरी टाइम आए तो सहरी करें, कोई मसला नहीं। ये जिंदा दल आने लाहौर ये, और मेरे वो कैनल का नाम भी लाहौरी चापट है। तो हम तो वैसे ही खाबों से कुत्तों तक का सफर कर चुके हैं, तो इनको भी खिलाते हैं, खुद भी खाते हैं। तो असन भाई रबते के लिए अगर किसी को रबता नंबर चाहिए तो 0311 41 08 789। लो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे यारो, आज की थी ये वीडियो। उम्मीद है कि वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी। अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। हम लोग मिलेंगे कल एक नई वीडियो के साथ, एक नए दिन के साथ। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।